हाय एवरीवन, मैं हूँ शेफाली। लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड किया था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डिप्लीशन लेयर एंड एक्सप्रेशन फॉर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। आज के लेक्चर में हम फाइंड करेंगे करंट इक्वेशन फॉर अ पी एन डायोड। यहाँ पर मैंने एक पी एन डायोड को रिप्रेजेंट किया है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। बैटरी जो है वो मैंने यहाँ पर शो नहीं की है, क्योंकि जो फिनोमेना है फॉरवर्ड बायस केस का वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हमें यहाँ पर करंट जो है वो फाइंड करनी है, इसलिए हमें यहाँ पर सिर्फ मूवमेंट जो है वो कंसिडर करनी है कैरियर्स की। तो हम कंसिडर करते हैं पहले एन साइड को। देखो, पी साइड में जो मेजोरिटी कैरियर्स है वो है होल्स। होल्स का डिफ्यूजन होगा फ्रॉम पी टू एन। और यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी कैरियर्स का यहाँ पर जो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से क्या होगा? ड्रिफ्ट मूवमेंट, और वो होगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ पी टू एन। तो यहाँ पर एन साइड में देखो क्या हो रहा है, होल्स जो कि क्या है एन साइड के लिए माइनॉरिटी कैरियर्स इंजेक्ट हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो कि है मेजोरिटी कैरियर्स वो भी यहाँ पर इंजेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम फिनोमेना यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे कैरियर इंजेक्शन फिनोमेना, और हम कंसिडर करेंगे लो लेवल इंजेक्शन। लो लेवल इंजेक्शन में क्या होता है? इफ़ द इंजेक्टेड कैरियर कंसंट्रेशन इज़ वेरी वेरी लेस देन द मेजोरिटी कैरियर्स प्रेजेंट इन द सेमी कंडक्टर्स, देन देयर विल बी नेग्लिजिबल चेंज इन मेजोरिटी कैरियर कंसंट्रेशन बट अ कंसिडरेबल चेंज इन माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। तो लो लेवल इंजेक्शन क्या हुआ? माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। यहाँ पर क्या है, देखो इंजेक्टेड कैरियर्स जो है वो बहुत कम है। यहाँ पर अगर मैं सपोज एन साइड को हम कंसिडर करते हैं, इंजेक्टेड कैरियर्स यहाँ पर बहुत कम है, तो मेजोरिटी कैरियर्स में अगर हम इंजेक्टेड कैरियर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा? बहुत लार्ज क्वांटिटी में। अगर हम बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऐड करें तो जो चेंज होगा वो क्या होगा? नेग्लिजिबल। बट माइनॉरिटी कैरियर्स में जो चेंज होगा वो क्या होगा? कंसिडरेबल। तो ये हो गया माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। तो इसी की हेल्प से हम फाइंड करेंगे यहाँ पर करंट। अब देखो, क्वांटिक पोटेंशियल जो है अनबायस्ड कंडीशन में, उसका फॉर्मूला हमने फाइंड किया था KT by Q ln PP by PN। यहाँ पर PP क्या है? होल कंसंट्रेशन इन P रीजन वेल अनबायस्ड। होल कंसंट्रेशन इन N रीजन वेल अनबायस्ड। इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, PP इक्वल्स टू PN एक्सपोनेंशियल पावर QV नॉट डिवाइडेड बाय KT। इसको हमने ले लिया इक्वेशन वन। सिमिलरली जब हमने बायस अप्लाई किया तो देखो क्या हुआ, पी पी नोट इक्वल्स टू पी एन नोट एक्सपोनेंशियल पावर क्यू वी नोट माइनस वी डिवाइडेड बाय के टी। इसको हमने ले लिया इक्वेशन टू, क्योंकि जैसे ही हमने बायस अप्लाई किया डिफ्यूजन प्रोसेस में वेरिएशन हुआ, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर जो कैरियर कंसंट्रेशन होगी वो भी क्या होगी? चेंज होगी। अब लो लेवल इंजेक्शन के लिए क्या होता है? मेजोरिटी कैरियर्स में जो चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो हम इक्वल करेंगे पी पी इक्वल्स टू पी पी नोट। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा वन इक्वल्स टू पी एन डिवाइडेड बाय पी एन नोट एक्सपोनेंशियल पावर क्यू वी डिवाइडेड बाय के टी। यहाँ से पी एन नोट हमें मिला पी एन एक्सपोनेंशियल पावर क्यू वी डिवाइडेड बाय के टी। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन थ्री। सिमिलरली एन पी नोट क्या मिलेगा हमें? एन पी एक्सपोनेंशियल पावर क्यू वी डिवाइडेड बाय के टी, दिस इज इक्वेशन फोर। ये हमने कहा देखा था एन रीजन के लिए, और ये किसके लिए है? पी रीजन के लिए, बिकॉज इट इज़ माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। पी एन नोट क्या है? होल कंसंट्रेशन इन एन रीजन। पी एन है होल कंसंट्रेशन इन एन रीजन वैन अनबायस्ड पी एन डायोड। ये है वैन डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस।
ये है इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन पी रीजन व्हेन डायोड इज फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन पी रीजन व्हेन डायोड इज अनबायस्ड। और वी यहाँ पर क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज। अगर यहाँ पर रिवर्स बायस होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, देखो पी एन नोट इक्वल्स टू पी एन एक्सपोनेंशियल पावर माइनस क्यू वी आर डिवाइडेड बाय के टी। यहाँ पर अगर हम चेंज देखें तो फॉरवर्ड बायस अप्लाई करने पर क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये जो इक्वेशंस आई इनको हम बोलते हैं लॉ ऑफ जंक्शन, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन और वेरिएशन इन कंसंट्रेशन। अब हम यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम प्लॉट करते हैं। सबसे पहले तो देखो हम क्या करते हैं, इसको मैंने ले लिया हैवीली डोप्ड देन एन साइड, तो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर की वेट क्या हो जाएगी, रिड्यूस। और यहाँ पर मैंने जो डोपिंग है वो नॉर्मल डोपिंग की है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, ये है एक्सपी, हियर इट इज एक्स एन, यहाँ पर सपोज इट इज एक्स इक्वल टू डब्ल्यू एन एंड हियर इट इज एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू पी। अब डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट के लिए जो एक्सिस है, यहाँ पर मैंने एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू पी को ओरिजिन कंसिडर किया है और यहाँ पर एक्स इक्वल टू डब्ल्यू एन को मैंने ओरिजिन कंसिडर किया है फॉर एन साइड। ये हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा एन पी एक्स ऑफ पी और यहाँ हो जाएगा पी ऑफ एन एक्स ऑफ एन। अब सबसे पहले तो हम क्या प्लॉट करेंगे, इक्विलिब्रियम जो कॉन्सेंट्रेशन है वो, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है एन पी और यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है पी एन। यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैंने थोड़ा सा जो है ज़्यादा लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखो मेजोरिटी कैरियर्स क्या है, ज़्यादा है, तो माइनॉरिटी कैरियर्स यहाँ पर क्या होगा, कंपेरेटिव टू दिस ये कम होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डेविएशन जो है वो शो किया है। अब माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन में हमने देखा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल, और सिमिलरली पी साइड में भी इसी तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगी पी एन प्लस डेल्टा पी एन, डेल्टा पी एन है एक्सिस कैरियर्स इंजेक्टेड एट एक्स इक्वल टू जीरो और यहाँ पर हो जाएगा एन पी प्लस डेल्टा एन पी। माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन में हमने इसको पी डैश एन लिया था, यहाँ पर मैंने डेल्टा पी एन से रिप्रेजेंट किया है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। और एक्सपोनेंशियल ग्राफ को हम शो करेंगे एक्सप्रेशन से डेल्टा पी एन ई पावर माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाय एल पी, क्योंकि हमने यहाँ पर होल्स कैरियर्स लिए हैं तो डिफ्यूजन लेंथ किसकी होगी, होल्स की, और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एन पी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स पी डिवाइडेड बाय एल एन। अब देखो यहाँ पर जो कर्व है वो कैसा है, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर जो है वो क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल, बट एक्स पी जो है वो क्या है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये क्या है, ओवरऑल पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल। तो ये हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्लॉट कर लिया। अब देखो अगर हम एक्सिस कैरियर्स देखें तो डेल्टा पी एन एक्सिस कैरियर्स, डेल्टा पी एन किसके इक्वल हो जाएगा, पी एन नोट माइनस पी एन। पी एन नोट क्या है, एन साइड में टोटल कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन फॉरवर्ड बायस, पी एन है इक्विलिब्रियम पर एन साइड में होल कंसंट्रेशन। सिमिलरली डेल्टा एन पी विल बी इक्वल टू एन पी नोट माइनस एन पी। यहाँ से अगर हम वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे तो थर्ड एंड फोर्थ का यूज़ करके डेल्टा पी एन विल बी पी एन एक्सपोनेंशियल पावर क्यू वी बाय के टी माइनस वन एंड डेल्टा एन पी विल बी एन पी एक्सपोनेंशियल पावर क्यू वी बाय
kt minus 1. Let this equation as 5 and this as equation 6. तो ये हमने दो इक्वेशन फाइंड कर लिए. अब देखो डेल्टा एन पी एक्स पी ये क्या है, एक्सिस कैरियर्स का डिस्ट्रीब्यूशन. इसका एक्सप्रेशन देखो क्या हो जाएगा, दिस विल बी सॉरी डेल्टा एन पी xp डिवाइडेड बाय lp. यहाँ से जब हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा np एक्सपोनेंशियल पावर qv बाय kt माइनस 1 एक्सपोनेंशियल पावर माइनस xp डिवाइडेड बाय ln. और सिमिलरली डेल्टा pn xn विल बी Pn exponential power qv divided by kt minus 1 exponential power minus xn divided by lp. इसको हमने ले लिया equation 7 and इसको ले लिया हमने equation 8. अब further देखो हम क्या करते हैं, हमें find करना है current. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं होल्स की वजह से जो करंट है वो हमें क्या मिल रही है. होल्स की वजह से हमें कौन सी करंट मिल रही है, डिफ्यूजन करंट. तो आई पी डिफ्यूजन विल बी माइनस क्यू ए डी पी डी पी बाय डी एक्स. और यहाँ पे पी कौन सा होगा, दिस वन. तो ये हो जाएगा डेल्टा पी एन एक्स ऑफ एन. डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो देखो हमें क्या मिल रहा है, माइनस क्यू ए डी पी. इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो हमें मिलेगा पी एन एक्सपोनेंशियल पावर क्यू वी डिवाइडेड बाय के टी माइनस 1. ये तो क्या है, कांस्टेंट है. ई पावर माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाय एल पी. और आगे क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाय एल बी एल पी. तो ये साइन हो जाएगा प्लस. तो यहाँ से आई पी डिफ्यूजन हमें क्या मिला, क्यू ए डी पी डिवाइडेड बाय एल पी. ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, डेल्टा पी एन ऑफ एक्स एन. अब फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो देखो एट एक्स इक्वल टू एक्स एन इक्वल टू जीरो द करंट विल बी क्यू ए डी पी डिवाइडेड बाय एल पी इंटू डेल्टा ऑफ पी एन. तो आई पी एट एक्स एन इक्वल टू जीरो विल बी क्यू ए डी पी डिवाइडेड बाय एल पी. डेल्टा पी एन को हम क्या लिख सकते हैं, पी एन ई पावर क्यू वी बाय के टी माइनस 1. और सिमिलरली जब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन करंट देन दिस विल बी क्यू ए डी एन डिवाइडेड बाय एल एन एन पी एक्सपोनेंशियल पावर क्यू वी डिवाइडेड बाय के टी माइनस 1. टोटल करंट जो है वो किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट की एडिशन के इक्वल. तो टोटल करंट हो जाएगी यहाँ से क्यू ए डी पी डिवाइडेड बाय एल पी पी एन प्लस डी एन डिवाइडेड बाय एल एन एन पी मल्टीप्लाइड बाय ई पावर क्यू वी बाय के टी माइनस 1. तो ये जो है ये हो गई टोटल करंट. इसको हम लिख सकते हैं आई नोट. इस कंप्लीट टर्म को मैंने ले लिया आई नोट एक्सपोनेंशियल पावर क्यू वी डिवाइडेड बाय के टी माइनस 1.
तो ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायोड करंट इक्वेशन। अब आईनोड देखते हैं, आईनोड क्या है, आईनोड किसके इक्वल है, क्यू ए डी पी पी एन डिवाइडेड बाय एल पी प्लस डी एन डिवाइडेड बाय एल एन एल पी, इसके इक्वल है आईनोड। सपोज यहाँ पर अगर रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस में आई क्या हो जाएगा, आई नोड एक्सपोनेंशियल पावर माइनस क्यू वी आर डिवाइडेड बाय के टी माइनस वन। अब देखो यहाँ पर ये जो टर्म है रिवर्स बायस के केस में ये क्या होगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगी जीरो, तो दिस विल बी माइनस आई नोड। तो रिवर्स बायस के केस में आई क्या है, माइनस आई नोड, जो कि क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो आई नोड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, और इसी को हम बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर करंट। तो इस तरह से हमने डायोड इक्वेशन जो है करंट के लिए वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। थैंक यू सो मच।